इसीलिए प्रभु ने बड़ी अच्छी बात बोली और यहूदियों को डांटा और फटकारा कि होठों से तो तुम आदर करते लेकिन मन दूर है तुम्हारा। और आगे प्रभु ने बड़ी अच्छी बात बोली, लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु ने कहा व्यर्थ ये लोग मेरी आराधना करते हैं, व्यर्थ करते हैं, बेकार में आते हैं चर्च में। ये यहूदी लोग भी बेकार में जाते थे परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए, बेकार में, क्योंकि मनुष्य की आज्ञा को वो परमेश्वर के धर्म का उपदेश बना के प्रचार करते थे। मनुष्य की आज्ञा का, जब मनुष्य की आज्ञा को परमेश्वर का वचन बना के प्रचार करते थे, पेश करते थे, लो भाई सुनो ये परमेश्वर की आज्ञा है, ऐसे करके सिखाते थे यहूदी लोग। आज वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, जब टीचिंग्स देनी होती है अपनी फैमिली में, अपने घर में, तो वचन से शिक्षा नहीं दी जाती, संसार की सारी चीजों को मिक्स करा जाता है, मिलाया जाता है और पेश कर दिया जाता है, सीख लो भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। वचन में साफ लिखा है, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से सिखाओ, चेतावनी दो और इस वचन से उनका पालन पोषण करो। संसार की बेकार की कहावतों से नहीं, बेकार की बातों से नहीं, इस वचन के द्वारा पालन पोषण करो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या कहता है। आज ये चीज हमें सीखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे लाइफ जी रहे हैं। वैसे यहूदी लोग थे, प्रभु ने बोला ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ। आज कितने लोग उपवास में बैठते हैं, जब फास्टिंग में बैठ जाते हैं, फास्टिंग में बैठ के क्या करते हैं, यहां घूमने निकल जाएंगे, वहां घूमने निकल जाएंगे, वहां घूमने निकल जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, सो जाएंगे, कितना टाइम हो गया 12 बज गए ठीक है, फिर उठेंगे 1 बज गए ठीक है, 2 बज गए ठीक है, 3 ठीक है, 4 हाँ अब खोलने का टाइम आ गया। ऐसे उपवास रखते हैं, सो जाते हैं, मैं उपवास में हूँ, मैं उपवास में, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, सो जाते हैं, मैं उपवास में हूँ, उपवास। ये उपवास नहीं, ये भूख हड़ताल है, भूख हड़ताल, ये भूख हड़ताल है। जैसे कंपनी के अंदर जब कंपनी के एम्प्लॉयज की डिमांड को पूरी नहीं किया तो लोग क्या करते हैं, भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। वैसे परमेश्वर के आगे बहुत सारे मसीह भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोग मसीह डाइट पे बैठ जाते हैं, कहते चलो फास्टिंग कर लेता हूं, क्यों, मेरा पेट भी अंदर हो जाएगा, थोड़ी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, ये सोच के फास्टिंग करते हैं। तो तुम फास्टिंग नहीं कर रहे, वो डाइटिंग है, डाइटिंग, डाइटिंग और भूख हड़ताल और उपवास, तीनों में फर्क है। ऐसे करते हैं उपवास में, पेट थोड़ा अंदर हो जाएगा, बैली फैट थोड़ा कम हो जाएगा, सेहत अच्छी हो जाएगी, लीवर भी अच्छा हो जाएगा, चलो उपवास कर लेते हैं, ये सोच के उपवास में बैठते हैं और पूरे दिन दवा के पानी पीते रहते हैं, हाँ पेट की सफाई होगी, सफाई होगी, भूल जाते हैं मैं फास्टिंग में हूं, पानी तो पियो, दवा के पियो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रेयर भी तो करो, दवा के प्रेयर भी करो, दवा के बाइबल भी पढ़ो, वो नहीं होगा, दवा के पानी पीते हैं, दवा के नींद को सो जाते हैं। ये लोगों का जीवन है, आज इसी प्रकार से लोग जीवन जी रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के नियमों का, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। नहीं, आज भी बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स, ऐसी परंपराएं चल रही हैं, मसीह लोग बोल्ड होकर जीवन नहीं जीते, खुल के नहीं बोलते कि मैं एक मसीह हूं, मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं हर रविवार चर्च जाता हूं, मैं परमेश्वर को, मैंने अपना जीवन दे दिया है और मेरे लिए चर्च जाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट इस पृथ्वी पर मेरी सांसों का लेना है। जब तक ये सांसें हैं मेरा जीवन है, वैसे जब तक मैं चर्च का हिस्सा नहीं हूं मैं उद्धार की गाड़ी में नहीं बैठा, क्योंकि चर्च जो है व्हीकल ऑफ सेलिब्रेशन है, हर एक मसीह को चर्च जाना जरूरी है। जैसे शरीर के लिए सांसें जरूरी है, वैसे हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए चर्च जरूरी है। समुद्र और मछलियों में क्या फर्क है, मछलियां जो है वो समुद्र में डाल दी जाती हैं, मछलियां जो समुद्र में डाल दी जाती हैं वो समुद्र में रहती हैं। अगर मछलियां नहीं रहेंगी समुद्र जब भी रहेगा, मछलियां नहीं रहेंगी समुद्र जब भी रहेगा, और मछलियां अगर समुद्र से बाहर निकल जाएंगी तो क्या होगा, मर जाएंगी। यानी जरूरत किसको है, मछलियों को पानी की जरूरत है या पानी को मछलियों की जरूरत है, मछलियों को पानी की जरूरत है, केवल मछलियों को पानी की जरूरत है। वैसी परमेश्वर नीडी गॉड नहीं है, वो नीडी गॉड नहीं है कि उसको हमारी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत है। मछली बिना पानी के मर जाएगी, वैसी बिना खुदा के अंत के दिनों में, न्याय के दिन में हम सब भी मर जाएंगे, अनंत काल की दूसरी मृत्यु जो नरक की है।
अगर खुदा के बिना आज आप जी रहे हो तो विश्वास मानिए आपने नरक का चुनाव कर लिया है। परमेश्वर नरक किसके लिए बनाया था? उसने नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया था, उसने नरक केवल उन स्वर्ग दूतों के लिए बनाया था जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, स्वर्ग में अपने सिंहासन को अपने पद को छोड़ दिया और जो शैतान के साथ आ गए। ऐसे स्वर्ग दूतों के लिए परमेश्वर नरक बनाया था, नरक का इनोवेशन किया था ऐसे लोगों के लिए। और वैसे जो मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहता उसका भाग भी नरक में ही डाला जाएगा। जैसे उन स्वर्ग दूतों ने परमेश्वर के साथ रहने के लिए मना कर दिया, वैसे ही वो इंसान भी जो परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते वो नरक में डाले जाएंगे। हालेलुया। इंसानों के लिए परमेश्वर ने केवल स्वर्ग बनाया है, इंसानों के लिए परमेश्वर ने केवल स्वर्ग बनाया है, नरक नहीं बनाया। फिर से ध्यान से मेरी बात सुन ले, वो हमारा परमेश्वर इतना खराब परमेश्वर नहीं है। उसने इंसानों के लिए केवल स्वर्ग बनाया है और स्वर्ग मनुष्य कब जाएगा? जब वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा, यीशु मसीह को अपना जीवन देगा, उसकी आज्ञाओं को मानेगा। और जो यीशु मसीह के साथ चलना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहते, उनके लिए एक दूसरा स्थान है। जैसे अगर बेटा बोले शादी करने के बाद कि मम्मी और पापा मेरी बहू आपके साथ रहना नहीं चाहती, मैं भी रहना नहीं चाहता, वो कहेगा ठीक है बेटा एक काम कर ऊपर एक फ्लोर बना देते अलग रहे, या एक काम कर अलग तेरे लिए मैं एक जमीन लेके देता हूं वहां घर बना देता हूं तू वहीं रह हम अलग रह लेंगे। वैसे जो परमेश्वर के साथ उसके घर में नहीं रहना चाहता स्वर्ग में, उसके नरक का घर तैयार है, नरक का घर तैयार है जहां पे आग ही आग है, आग ही आग है और चीखे ही चीखे हैं, चिल्लाना ही चिल्लाना है, रोना ही रोना है, दांत पीसना ही पीसना है, कोई दया नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। वहां डाला जाएगा दूसरे घर में, या परमेश्वर के घर में चले जाओ जहां पे कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल परमेश्वर की उपस्थिति है। या वहां चले जाओ या दूसरे घर में चले जाओ, ये चुनाव इंसान का है। इसलिए यीशु ने कहा दो रास्ते हैं, एक परमेश्वर के घर को पहुंचाता है और एक तुम्हारे शैतान के घर को पहुंचाता है। चुनाव तुम्हारा है किस रास्ते में चलना है। अगर परमेश्वर के घर को जाना तो रास्ता ये वाला ले लो। और यीशु ने कहा रास्ता मैं हूं, यीशु ने कहा आई एम द वे, मैं हूं रास्ता, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। मेरे पीछे चलो तो तुम स्वर्ग जाओगे, और संसार के पीछे चलोगे जो शैतान संसार को लीड कर रहा है। यीशु मसीह मसीहों को लीड कर रहा है और शैतान संसार को लीड कर रहा है। दो ग्रुप बने हुए हैं और दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, अपोजिट है। जो यीशु मसीह का रास्ता है उसके पीछे बहुत कम लोग चल पाते हैं, जो शैतान का रास्ता है वहां आराम से लोग चलते हैं। यीशु मसीह का जो रास्ता है सकरा है, उस रास्ते में कीले हैं, उस रास्ते में कांटे हैं, उस रास्ते में पत्थर है जो पैर में चुभेंगे, यानी मसीह के पीछे चलने की वजह से दुख तकलीफ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, ऐसा रास्ता है। और एक रास्ता शैतान का बनाया हुआ है, उस रास्ते पे फूल ही फूल बिछे हुए, खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है, व्यभिचार ही व्यभिचार है, दारू ही दारू है, जुआ ही जुआ है, सारे गलत काम है। और वो कह रहा है मेरा रास्ता चौड़ा है, मेरे घर का रास्ता चौड़ा है, आओ मेरे पीछे पीछे चलो। और लोग चल रहे हैं, दैट इज योर चॉइस, ये तुम्हारा चुनाव है, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें किस रास्ते को चुनना है। होठों से या प्रभु का आदर करो या फिर अपने मन से भी प्रभु का आदर करो। और परमेश्वर ने सैमुएल की पुस्तक में कहा था कि मेरा देखना इंसानों की तरह नहीं है, इंसान बाहरी रूप गदकाठी पर्सनैलिटी पैसा शोहरत देखता है, और मैं इंसान के मन को देखता हूं, यह मन से कैसा है। वचन सुन के ये अपने आप को बदल रहा है, थरथरा रहा है, कांप रहा है, या फिर वचन सुन के ये बुरा मान रहा है। उसने कहा मैं मन को देखता हूं, और दाऊद कहता है जिनके मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। यानी जब तक मन आपका शुद्ध नहीं होगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका मन शुद्ध नहीं है वो स्वर्ग जाएगा ही नहीं। हम परमेश्वर को कहां देखेंगे? स्वर्ग में। कहां देखेंगे? स्वर्ग में देखेंगे। तो मन में अगर बुराई भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, जलन भरी हुई है, गंदी बातें भरी हुई है एक दूसरे के प्रति, तो कहां तुम स्वर्ग जाने की और परमेश्वर को देखने की बात करते हो। जिसका मन बुरा था, जिसके मन में घमंड आया, जिसका मन फूल उठा, शैतान उसी के साथ डरा जाएगा हर वो व्यक्ति। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना एक चीज को, दो लोगों का अगर ग्रुप बनाया जाता है, अगर महिलाओं का ग्रुप है तो महिलाओं के बीच में महिलाएं अच्छी लगती हैं,
उनके बीच में कोई पुरुष आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। वैसे पुरुषों के बीच में अगर कोई महिला खड़ी हो जाए तो अच्छी नहीं लगती। पुरुषों के बीच में पुरुष ही अच्छे लगते हैं, महिलाओं के बीच में महिलाएं अच्छी लगती हैं। वैसे धर्मियों के बीच में धर्मी ही अच्छे लगेंगे और अधर्मियों के बीच में अधर्मी ही अच्छे लगेंगे। दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। होठों से केवल आदर नहीं करना, मन से भी खुदा का आदर करना है, उसके वचन का आदर करना है। तुम चर्च में बैठ के वचन तो सुन रहे हो, घर जाके इस वचन को कितना तुम ध्यान से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अपने माता पिता के, बाप दादाओं के सारे रिचुअल्स को पूरा करने में लगे हुए हो, उन चीजों को मानने में लगे हुए हो, तो तुम मसीह के साथ कहां चल रहे हो, कहां चल रहे हो? आज हमें सीखना है हम किन चीजों का पालन कर रहे हैं। आज छोटी छोटी बातों में हमें ठीक होना है। वचन में लिखा है छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारी दाख की बारी को खराब कर देती है। छोटी छोटी लोमड़ियां, छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे आत्मिक जीवन को खराब कर देती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में भी हमें बेहतर बनना है, हमें अच्छा बनना है, सिद्ध बनना है। और परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध करता है, उसका वचन हमें ब्लेस करता है। तीमुथियुस 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लाभदायक है। इस वचन से तुम्हें सुधारना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। वचन से सिखाना है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने। क्या बने? सिद्ध बने। परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यानी मसीह यीशु जैसा बने, सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए वो तैयार हो सके। यह वचन आपको सिद्ध बनाता है, ताकि भले काम के लिए आप तैयार हो पाओ, भले कामों में लग पाओ। ये बाइबल ऐसा बनाती है। इसीलिए यहूदियों ने इन परंपराओं का पालन किया और परमेश्वर के वचन को छोटा कर दिया, इन बातों को ऊपर कर दिया। आज वैसे ही बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अपने पारिवारिक परंपराओं को बहुत ऊपर रखते हैं। मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरे दादा ने ऐसा किया, मेरे परदादा ने ऐसा किया, और ये हमारे घर में चलता हुआ आ रहा है। इसलिए हम करते हुए आ रहे हैं और करते रहेंगे। वचन जो कह रहा है वो नहीं करेंगे। जो सबका बाप है, ऊपर बैठा है, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम फादर, उसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अपने उन बाप दादाओं की बातों को, उन परंपराओं को मानते हुए आएंगे। आज कितने मसीह लोग मान रहे हैं, कितने मसीह सारे काम कर रहे हैं, निकम्मे काम, और फिर बोल रहे हैं हम तो ऐसे नहीं करते। एक मसीह ने मुझे एक बार बोला, एक मसीह बहन ने बोला कि जैसे हिंदुज्म के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है रक्षाबंधन, वैसे ही मैं प्रभु को ग्रहण करने के बाद, जीवन देने के बाद भी मैं वहां पर गई, मैंने क्या करा, मैंने राखी नहीं बांधी उनको, मैंने मिठाई का डब्बा लिया, उस पर राखी रखी और मैंने दे दी कि भाई आप ले लो, मैं राखी नहीं बांधती, ये मेरी तरफ से आप ले लो, आप खुद ही बांध लो। मिठाई निकाली और खिलाई, भाई ने फिर मुझे पैसे दिए, गिफ्ट दिया, मैंने ले लिया। वेरी गुड, तुमने इतना पाप किया, तुमने इतना पाप किया, तुमने इतना पाप किया, वो तो पाप की श्रेणी में ही आता है। तुम थोड़े से रिचुअल्स में शामिल हुए या पूरे रिचुअल्स में शामिल हुए, हुए तो हुए। एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति थे बाइबल में जो किसी के कहने के बाद भी वो रिचुअल्स में शामिल नहीं हुए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, उसने कहा मैं एक नियम ठहरा रहा हूं, एक नियम ठहरा रहा हूं, रिचुअल्स में सबको शामिल होना पड़ेगा, इस कानून को सबको मानना पड़ेगा। जैसे ही ढोल नगाड़े बजेंगे मेरी मूर्ति के सामने, तुम सब गिर के दंडवत करना, तुम सब दंडवत करना। और जैसे ही ढोल नगाड़े बजे, सबने दंडवत किया, लेकिन इन तीनों ने नहीं किया, ये खड़े रहे, नहीं किया, खड़े रहे। उसके बाद राजा ने बोला तुम तो मेरी गवर्नमेंट के अंदर उच्च अधिकारी हो, तुम सबको दोबारा से मौका दे रहा हूं, मैं दोबारा ये काम करूंगा, मैं ढोल नगाड़े बजेंगे, तुर्री फूकी जाएगी, दंडवत करना। उन्होंने बोला राजा हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने बोला जो नहीं करेगा आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, आग के भट्टे में, आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बोला हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से हमें बचा सकता है, और ना भी बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है, तो भी हमारा परमेश्वर है। राजा ने बोला एक काम करो, आग के भट्टे को 7 गुना धधका दिया जाए, और ये उठाओ और फेंक दो ले जाके। और आग के भट्टे को 7 गुना धधका दिया गया। और जब इनको उठा के ले जाया जा रहा था, जो अंदर डालने वाले सिपाही थे वो सब जल के मर गए, वो सब जल के मर गए।
और इन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया गया। और आग के भट्टे में जब डाला गया, ना इनका शरीर जला, ना इनके कपड़े जले, ना कपड़ों से बदबू आई जलने की। और वहां पे यीशु मसीह साक्षात प्रकट हो गया और इन तीनों को राजा ने देखा कि तीनों नहीं जल रहे, वरन क्या देखा, एक चौथा व्यक्ति भी मुझे दिखाई दे रहा है इनके बीच में और उसका रूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। और चारों वहां पर टहल रहे थे और वो राजा कांपने लगा, थरथराने लगा। उसको समझ आ गया इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और राजा ने भी विश्वास किया और दंडवत किया। हालेलुया। जब तुम बोल्ड होके खुदा के साथ चलते हो, अपने बॉस के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, समाज के सामने, तो यीशु खड़ा मिलेगा उस परेशानी में। जब तुम कमजोर हो जाओगे, तुम डरपोक हो जाओगे, तो यीशु खड़ा ही नहीं मिलेगा, खड़ा ही नहीं मिलेगा। आज कितने मसीह ये गलती करते हैं, कितने मसीह गलती कर रहे हैं, वो उनके रिलीजन, उनके धर्म के अंदर ये चीजें हैं, उनको करने दें। आपका खुदा आपको जो वचन से शिक्षा दे रहा है उसका पालन करें। यहां पर किसी भी धर्म की अवहेलना नहीं करी जा रही, किसी धर्म का अपमान नहीं किया जा रहा, लेकिन बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों से मेल नहीं खाती हैं, मैच नहीं होती हैं। बाइबल की शिक्षाएं उस अलग है, वो परमेश्वर का जीवित, परमेश्वर का जीवित वचन है। आज कितने मसीह गलती कर रहे हैं,